टूटी भारत में आपका स्वागत है। मैं उस समय रामपुर के डिबडिबा में और ये गुरुद्वारा है जहां पर आज सारे ही किसान मोर्चा के लोग यहां मौजूद है और तेजेंद्र विक मेरे साथ इस समय मौजूद है। नाराजगी लोगों की यह है कि एक राज्य मंत्री रहे हैं पूर्व में और अब कृषि मंत्री हैं बलदेव सिंह औलख और रामपुर के बिलासपुर से विधायक भी हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नवरीत सिंह जो शहीद हुआ है उसको लेकर उन्होंने जो है कोई विवादित बयान दिया है जिससे ये नाराज है। तो हालांकि क्या नाराजगी है इनसे ही जानते हैं और ये लोग क्या मांग करते हैं, आज मीटिंग में इन लोगों ने क्या फैसला लिया है। जी अभी मीटिंग शुरू होगी, अभी सभी हमारे किसान संगठनों के नेता पहुंच रहे हैं जी। आगे की रणनीति बनेगी, जो विवाद बयान दिया है उससे लोगों के अंदर रोष है, नाराज हैं लोग, पूरे इलाके के किसानों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उन परिवारों की भावनाएं तो आहत हुई हुई हैं जो शहीद हैं, लेकिन ये खाली एक परिवार के लिए शहीद नहीं थे, उस पर ये नवरीत शहीद एक परिवार का नहीं है, ये हर उस किसान के लिए शहीद हुए हैं जिसका जो खेती किसानी करता है, तो सभी लोग आहत हुए हैं, बड़ा दुख है लोगों के अंदर, रोष भी है, इसी को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई है। अभी सभी संगठनों के हमारे इलाके के प्रमुख नेता आज बैठेंगे और विचार करेंगे कि आगे क्या फैसला लेना है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी और अन्य दल सभी ने ये माना है कि वो शहीद हुए हैं, उनको शहादत का दर्जा मिलना चाहिए, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों स्वीकार नहीं रही है, क्योंकि आंखों देखी वहाँ पर 26 जनवरी के दिन जो हुआ सबने देखा, पूरे देश ने देखा। देखिए कभी भी जिस पार्टी से जो लोग जिस सरकार में घटनाएं होती है कभी भी सरकार शहीद का दर्जा नहीं देती, वो तो कातिल हैं, वो हमें क्यों शहीद का दर्जा देंगे। और दूसरा रहा, अब मैं कहना नहीं चाहता, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह को भी क्रांति आतंकवादी कहा, तो ये नवरीत को और बाकी लोगों को शहीद कहाँ से मान लेंगे, तो इनका जो है भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद नहीं करते कि शहीद का दर्जा देंगे, लेकिन हम किसानों ने और तमाम सामाजिक धार्मिक और पूरे दुनिया ने माना है कि शहीद है, शहीद हैं और रहेंगे, हमेशा अमर हैं। आप क्या करेंगे उनको शहादत दिलाने के लिए, और आपने कहा था कि आपके मेरे स्पीच भी सुनिए कि आप उनके स्मारक बनाएंगे, तो बिल्कुल हमने कहा था पहले दिन से, अभी भी हम दृढ़ संकल्प हैं, ये कोई कार्य आज एक दिन की बात नहीं है, ये लोग रहती दुनिया तक इनका नाम रहेगा, इतिहास बना है, ये इतिहास समय पे नहीं लिखा जाता, इतिहास आने वाले 50 साल बाद उसको याद किया जाता है, आज हमें छोटी चीज़ लग रही है लेकिन जब 50 साल बाद लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे कौन लोग थे वो जो शहीद हुए, कहाँ आंदोलन हुआ, तो तब जाकर इस बात की भावनाएं लोग समझेंगे कि इतने कौन क्रांतिकारी थे। तो ये इनके स्मारक हमने बात कही है, सरकार से अगर बनी नहीं सरकार, अगर दूसरी सरकार बनती तो सरकार ने घोषणा की थी कि हम स्मारक बनाएंगे, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम 25-25 लाख और उन शहीदों के स्मारक बनाएंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी तब भी कोई बात नहीं है, हम लोग अगर मिलजुल कर भी, हम सामाजिक तौर पर भी हमें प्रयास करना पड़ा और हम मिलजुल कर उस उन शहीदों के स्मारक यादगार के लिए प्रयास करेंगे, लगेंगे उनकी जो है हमेशा उनको याद करते रहे। औलख जी के इस बयान की निंदा करते हैं आप? बिल्कुल हम निंदा करते हैं, ऐसा बयान हम उम्मीद नहीं करते थे कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जब व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो वो सभी का है, वो किसी एक दल का नहीं रह जाता, जब मंत्री शपथ ले लेते हैं आप संविधान में विधानसभा के अंदर तो फिर सबके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं, हम नहीं मानते कि उनका ये किस तरह का मतलब मानसिकता है, किस मानसिकता के तहत उन्होंने बयान दिया, ये इसके लिए पूरे हमारा जो आज का सदन है वो भी निंदा कर रहा है और पूरे संगठनों ने निंदा की है, अभी बैठकर चर्चा होगी उसके बाद निर्णय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, तेजेंद्र विक्र साहब हैं और इन्होंने कड़ी निंदा की है उस बयान की औलख जी के जो उन्होंने नवरीत के मामले में दिया है। फिलहाल अब मीटिंग चालू है और क्या निर्णय लिया जाता है, किस तरीके की जो उन्होंने पनिशमेंट की बात कही है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये भी चर्चा में है। फिलहाल किसानों में आक्रोश है इस बयान को लेकर और मीटिंग की जा रही है और महापंचायत में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफान अहमद, क्यू टी वी भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।